हेलो एवरीवन, मैं प्रीति प्रीति मेकअप से। तो गाइस, आज मैंने ये मेकअप लुक क्रिएट किया है जो है जींस टॉप पे ब्लेजर के साथ, जिसे आप इस तरीके से लुक क्रिएट करके पार्टी वगैरह में जा सकते हो। जैसा कि आपको पता है कि विंटर का टाइम है, ठंड का टाइम है, और हमें प्रीटी भी दिखना है, खूबसूरत भी दिखना है, और साथ ही साथ हम चाहते हैं कि हमें ठंड भी ना लगे। तो इस तरीके का कुछ लुक क्रिएट करके आप पार्टी में जा सकते हो, जो खूबसूरत भी लगोगे, प्लस को ठंड भी नहीं लगेगी और इस तरीके का लुक भी क्रिएट कर सकोगे। तो यहाँ पे मैंने अंदर एक स्वेटर पहना हुआ, उसके ऊपर मैंने ब्लेजर डाल रखा है जो गर्म है, अंदर भी गर्म है। इसके अंदर आप इनर वगैरह पहन सकते हो, आप इसके अंदर कुछ और भी कपड़े पहन सकते हो जिससे आप गर्म फील करोगे और फैटी फैटी नहीं लगोगे, मोटे नहीं लगोगे। जैसा कि हम चाहते हैं कि अगर हम पार्टी वगैरह में जा रहे हैं तो हम स्लिम दिखे, स्मार्ट दिखे, पतले दिखे, ज्यादा फैटी फैटी ना दिखे, ज्यादा खूबसूरत लगे। तो इसीलिए मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आप इनर पहनिए। इनर के अंदर तो कोई सी पतली सी ऊनेल गर्म टी शर्ट डालिए, टी शर्ट के ऊपर आप थोड़ा सा ब्लेजर डालिए, स्लिम वाला ब्लेजर, तो देखने में काफी ज्यादा अच्छा लगे। और आजकल फॉर्मल पैंट चली हुई है, जींस चली हुई है, जींस के अंदर आप थोड़ा सा, अगर आप जींस पहन रहे हो तो उसके अंदर आप कुछ भी ना पहनो, मैं ये सजेस्ट करूंगी। अगर आप जेगिंस पहन रहे हो तो उसके अंदर आप गर्म पैजामा पहन सकते हो, और जो प्लाजो टाइप का चला आजकल, पतला वाला कपड़े का चला है, बहुत जो लुक अच्छा देता है, तो आप उसे ट्राई कर सकते हो। तो ये मैं उसी को मैं पहन रखी हूँ, अभी मैं आपको दिखाऊंगी। उसके अंदर मैंने गर्म पैजामा पहन रखा है, जो है लेगी, गर्म लेगी मैंने पहन रखी है। तो इन सब चीजों को आप करके कुछ इस तरीके का लुक क्रिएट कर सकते हो और पार्टी में जा सकते हो, प्यारे भी लगोगे। तो चलिए फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने फैमिली के साथ, फ्रेंड के साथ, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो ना यार, तभी तो आपको अच्छी अच्छी वीडियो देखने को मिलेंगी, है ना। तो और हाँ, इंस्टा और टिकटॉक पर फॉलो करना मत भूलिएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो देखें, ठीक है, चलते हैं। तो सबसे पहले हम आई मेकअप से स्टार्ट करेंगे। आई मेकअप के लिए हमने लिया है एनवाईबी का कंसीलर, जो काफ़ी ज़्यादा बजट में है, 70 रुपीज़ में आपको purple.com में आराम से मिल जाएगा, और इतने बजट में आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। तो ये बहुत ही अच्छा कंसीलर है, आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, मैं फुल रिकमेंड करूँगी बजट के हिसाब से। और एक इसको क्या करिएगा, छोटू से ब्रश लीजिएगा, उससे ब्लेंड कर लीजिएगा। अगर आपके पास ब्रश नहीं है तो फिंगर की हेल्प से भी ब्लेंड कर सकते हैं, और ब्यूटी ब्लेंडर है तो आप उससे भी ब्लेंड कर सकते हैं, और नहीं है वो भी तो आप फिंगर से आराम से ब्लेंड कर सकते हैं पेंसिल लेने की कोई भी बात नहीं, ठीक है। और इसके बाद हम क्या ले रहे हैं, लैक्मे का कॉम्पैक्ट, जो ऑल टाइम का इस टाइम का मेरा फेवरेट है, आगे नहीं बता सकती बट इस टाइम का बजट के हिसाब से काफी अच्छा है, बजट में भी मिल जाता है। और लैक्मे ब्रांड आप तो आपको तो पता ही है कितना अच्छा है। और इसके बाद हम ले रहे हैं ट्रांजिशन सेट। जब भी आप आई मेकअप स्टार्ट करो ट्रांजिशन सेट से स्टार्ट करिएगा, ताकि आपका आई मेकअप जो थोड़ा सा अच्छा लगे और आपका आई मेकअप जो आई बेस है जो थोड़ा सा उभर कर आए इसी वजह से। तो हम अपने दोनों ही आई में इस तरीके से अप्लाई कर लेंगे। देन इसके बाद हम ले रहे हैं थोड़ा सा ब्राउन शेड जो है डार्क में, तो इस तरीके से आपको अप्लाई करना है। ज़्यादा डार्क मेकअप नहीं है ये आई मेकअप, मैं लाइट रखूंगी क्योंकि मैंने यहाँ पे जींस और टॉप के साथ मेकअप लुक क्रिएट किया, तो आई मेकअप आपको डार्क वाला नहीं रखना। जब भी आप इस तरीके का कुछ ड्रेसअप करो तो, यानी कि ड्रेस पहनो, तो आपको आई मेकअप लाइट ही रखना है। लिपस्टिक आप डार्क रख सकते हो बट आई मेकअप लाइट ही रखना है। और उसके बाद मैं ले रही हूँ यहाँ पर ये वाला सेट मैंने पिक किया है, देन इसको मैं अपने आईलेट पर अच्छे से अप्लाई कर ले रही हूँ फिंगर की हेल्प से। आप चाहो तो फ्लैट ब्रश की हेल्प से भी अप्लाई कर सकते हो, बट जस्ट मैं आपको दिखाने के लिए अप्लाई कर रही हूँ कि आप फिंगर की हेल्प से अच्छे से भी लगा सकते हो। इसके बाद मैं ले रही हूँ सेम ब्राउन वाला शेड, और इसको जहाँ पर आप काजल लगाते हो हल्के हल्के से आपको ब्लेंड करना है, काजल के नीचे साइड में ब्लेंड करना है, और हल्के हल्के से ही ब्लेंड करना है, ज़्यादा नहीं लगाना, हल्का सा ही लगाना है क्योंकि आई मेकअप हम थोड़ा सा लाइट रख रहे हैं जैसा कि मैंने आपको बताया। तो दोनों ही आई में आपको अप्लाई कर लेना है इस तरीके से। देन इसके बाद हम ले रहे ये वाला सेड जो मैंने लगाया था अपने आईलेट पे, इसको भी मैं हल्का सा लगाऊंगी, ज़्यादा डार्क नहीं रखूंगी, बस लाइट सा ही लगाऊंगी, ज़्यादा नहीं रखूंगी डार्क, जैसा मैं आपको बार बार बता रही क्योंकि आई मेकअप हमारा लाइट होने वाला, ज़्यादा डार्क वाला नहीं होने वाला है। इसके बाद हम डार्क काजल लगाएंगे, आपके पास जो भी डार्क काजल हो आप वो ले लीजिएगा। मैं यहाँ पे NYV का ली हूँ जो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है डार्क के हिसाब से, तो आई मेकअप हमने काफ़ी ज़्यादा लाइट रखा है तो इसलिए हम थोड़ा सा काजल डार्क लगाएंगे। ये देखिए इस तरीके से आपको दोनों ही आई में अच्छे से अप्लाई कर लेना, और ये बजट में है, ये 52 रुपीज़ में आपको आराम से मिल जाता है। और इसके बाद हम ले रहे हैं NYV का लाइनर। अगर आप बजट में लाइनर ढूंढ रहे हो जो अच्छा हो और काफ़ी देर तक चले तो ये बहुत ही अच्छा बेस्ट है, आप ट्राई कर सकते हो। इसे मैंने लिया था 52 रुपीज़ में, ऑफ़र में ये आपको और भी सस्ता मिलने वाला है, यानी कि कम रेंज में, तो आप ट्राई कर सकते हो, मैं आपको फुल रिकमेंड करूँगी, तो आप ले सकते हो, बहुत ही अच्छा है। इसको आपको दोनों ही आई में अप्लाई कर लेना है जिस तरीके से मैंने अप्लाई किया है। और इसके बाद हम ले रहे हैं गुड वाइब्स का मिस्ट, इसको अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर लेंगे, जो बहुत ही अच्छा है, बजट में है,
कुछ इस तरीके से आपको पूरे फेस पे अपने हैंड के हेल्प से अप्लाई कर लेना है, ये देखिए। और इसके बाद हम ले रहे लैक्मे का मॉइस्चराइजर, जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, 150 में आपको आराम से मिल जाता है। और लैक्मे ब्रांड तो आप जानते हैं कितना अच्छा है, तो ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हम ले रहे हुडा ब्यूटी का प्राइमर, ये भी मैंने 100 में लिया था। आप चाहो तो इसकी जगह पे ग्रीन वाला एलोवेरा जेल यूज़ कर सकते हो, येलो वाला नहीं मैं कहूँगी, बट ग्रीन वाला बोल सकती कि आप ग्रीन वाला यूज कर सकते हो। अगर आपके पास नहीं है प्राइमर, तो अगर नहीं है तो उस हिसाब से तो एलोवेरा जेल बेस्ट रहेगा आपके लिए, आप ट्राई कर सकते हो। इसके बाद हम ले रहे लैक्मे का फाउंडेशन, जो मेरा फिनिश होने वाला है। एक टाइम में मैं इसको बहुत ज़्यादा यूज करती थी, तो ये रिक्वेस्टेड वीडियो है कि दी प्लीज़ लैक्मे का फाउंडेशन अप्लाई करके बताइए। तो मैं एक टाइम में इसे बहुत ज़्यादा यूज करती थी, बट अभी थोड़ा सा कम कर दी हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि अच्छा नहीं है, बजट में है, 150 या 200 में। ऐसी ऑफ़र में आपको कम ज़्यादा या इससे कम प्राइस में मिल जाएगा, देख लीजिएगा आप ऑफ़र के टाइम में। तो इस तरीके से मैं अप्लाई कर लूँगी, बहुत ही अच्छा फाउंडेशन है ये बजट के हिसाब से, और लैक्मे ब्रांड तो क्या बोलूँ मैं। और इसके बाद मैं ले रही हुडा ब्यूटी का ये वाला ब्रश, अभी मैंने जस्ट न्यू ऑर्डर किया था, तो मैंने कहा चलो मैं इसका रिव्यू करने से पहले देख लेती हूँ इसकी क्वालिटी कैसी है। तो इसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, माइंड ब्लोइंग है, और इसका ब्रश जो है काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट वाला है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी आप ज़रूर ट्राई करिएगा। इससे आप कई चीज़ें कर सकते हो, कंसीलर अप्लाई कर सकते हो, कॉन्टोर कर सकते हो, और फाउंडेशन भी ब्लेंड कर सकते हो। तो मुझे ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आया, ये देखिए कितने अच्छे से ब्लेंड हो रहा है ना। और यहाँ पे उन्होंने बोला था दी क्या हम जींस टॉप पे फॉल्सेस नहीं लगा सकते, तो डियर आप जींस टॉप पे फॉल्सेस लगा सकते हो, बस थोड़ी सी लाइट वाली। और क्या जिनकी पलके जो होती हैं वो घनी होती हैं, तो क्या उनको लगता है कि उन्होंने फॉल्सेस लगा रखी है, उनकी अगर पलके घनी हैं तो क्या वो जींस टॉप कैरी नहीं करती, करती है ना, तो ऐसा नहीं है। बट हाँ, अगर आप फॉल्सेस लगा रहे हो तो आप थोड़ा सा लाइट लगाओ, जो नेचुरल लगे देखने में, लगे ना कि आपने फॉल्सेस लगाई है इस वजह से। और ऐसा नहीं है कि आप नहीं लगा सकते हो, आप लगा सकते हो। तो कुछ इस तरीके से आपको पूरे ही जगह पे ब्लेंड कर लेना है, नेक पे, नोज़ पे, चिक पे, अच्छे से ही ब्लेंड करना है, ताकि आपका फेस जो है केकी ना दिखे और अच्छा दिखे। और इसके बाद हम ले रहे हैं कॉम्पैक्ट लैक्मे का, और इसको हम अपने फेस पे लगाएंगे। फेस के लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप लाइटली लगाइए, क्योंकि विंटर का टाइम है, तो वैसे भी सबकी स्किन ड्राई हो जाती है। नेक पे आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा लगा सकते हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट फेस पे लाइट लगाइए हल्का सा फाउंडेशन सेट करने के लिए, जस्ट बस। और इसके बाद मैं अपनी आईब्रो को फिल करने के लिए ले रही हूँ मोर्फी का सेम पैलेट, इसमें से मैंने ब्राउन सेट पिक किया है, जो इस टाइम में मैं हमेशा यूज कर रही हूँ। आपने देखा होगा कई वीडियो में मेरी कि इस टाइम मैं इसी को यूज कर रही हूँ, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी आप ट्राई कर सकते हो, बहुत ही अच्छा फाउंडेशन है, सॉरी बहुत ही अच्छा ये ब्राउन शेड है, इससे आप अपने आईब्रो को फिल कर सकते हो, ठीक है। दोनों ही आईब्रो को मैं इसी तरीके से फिल कर लूँगी, और दिन में ले रही हूँ ब्रोकॉम, जो बहुत ही अच्छा बजट में है, मार्केट में आपको आराम से मिल जाएगा। हल्के हल्के से आपको सेट करना, अगर आप रगड़ दोगे ना तो आपका जितना है वो तो आपने पाउडरी टाइप का है तो वो निकल जाएगा, इसी वजह से हल्के हल्के से आपको सेट करना है। और अब मैं यहाँ पे ली हूँ ब्राउनजर सेट, जो मैंने लिया अपने मोर्फी वाले पैलेट से, आई पैलेट से, उसी से मैं अपने फेस पर ब्राउनजर लगाऊंगी, क्योंकि ब्राउनजर से आपका फेस काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिखता है और थोड़ा सा डिफरेंट भी लगता है। तो अब ब्राउनजर कॉन्टोरिंग बहुत ही ज़रूरी है आपके फेस के लिए, आपका फेस इससे बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है, फेस का कट भी बहुत ज़्यादा प्यारा वाला हो जाता है। तो कुछ इस तरीके से आपको अप्लाई करना है, सबसे पहले मैंने नोज़ पे लगाया, और उसके बाद फिर मैं चिक पे, और फिर फोरहेड पे, यानी कि अगर आपका फोरहेड काफ़ी ज़्यादा चौड़ा है तो आप उसको थोड़ा सा पतला दिखा सकते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट दिखा सकते हैं। और यहाँ पर कुछ इस तरीके से अप्लाई कर रही हूँ थोड़ा सा, तो ये देखिए हल्के हल्के से लगाने के बाद इसको मैं अच्छे से ब्लेंड कर ले रही हूँ छोटे से ब्रश से, जहाँ जहाँ पे आपने ब्राउनजर लगाया है वहाँ वहाँ पर आपको अच्छे से ब्लेंड करना है, अच्छे से ही ब्लेंड करना है। तो सारे जगह मेरा ब्लेंड हो चुका है। अरे इसके बाद हम कर रहे हैं नोज़ पे ब्लेंडिंग, तो नोज़ भी अच्छे से आपको ब्लेंड कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने छोटा सा ब्रश लिया जिसकी हेल्प से काफ़ी अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। और इसके बाद मैं ले रही हूँ कंसीलर, जो मैंने अपने आई पैलेट पर लगाया था आई मेकअप स्टार्ट करने से पहले, तो कुछ इस तरीके से आपको अप्लाई कर लेना है अपने नोज़ पर, ताकि आपका नोज़ थोड़ा सा हाईलाइट हो जाए। और इसके बाद जहाँ पे मैंने ब्राउनजर लगाया था उसके थोड़ा सा नीचे मैं कंसीलर लगा रही हूँ, ये देखिए। और इसके बाद मैं एक ब्रश के हेल्प से, वही वाला ब्रश छोटा वाला, क्योंकि जो छोटे छोटे काम होते हैं छोटे से ब्रश से अच्छे से हो जाते हैं, इसको अच्छे से ही आपको ब्लेंड करना है, ये देखिए कुछ इस तरीके से। और इसके बाद मैंने लिया स्विस ब्यूटी का हाइलाइटर, जो मेरा फेवरेट है ऑल टाइम। और इसके बाद मैंने पिंक वाला शेड लिया, पिक किया है, उसी से मैं ब्लशर लगा रही हूँ पिंक वाला शेड, और कुछ इस तरीके से आपको अप्लाई कर लेना है। और इसके बाद जो मैंने DIY बनाया था हाइलाइटर का, उसी से मैं लगा रही हूँ हाइलाइटिंग, थोड़ी सी करूँगी, ज़्यादा नहीं करूँगी, हाइलाइटर थोड़ा सा थिक हो जा गया है, हाँ ब्रश से उतने अच्छे से नहीं ब्लेंड हो रहा है, लेकिन हैंड की फिंगर के हेल्प से अच्छे से लग जाएगा। तो यहाँ पर मैं ज़रा सा ही लगा रही हूँ
लाइट बिल्कुल, ताकि पता ना चले, क्योंकि हमारा जेंस टॉप का मेकअप है, ज्वेलरी वगैरह रहती है, साड़ी लहंगा, तो उनके हिसाब से हाईलाइटर आप ज़्यादा लगा सकते हो, बट जीन्स पे हाईलाइटर आप कम ही लगाइएगा, ज़्यादा मत लगाइएगा वरना ओवर लगेगा। और इसके बाद मैंने यहाँ पे लिया एज ए वेला डार्लिंग की लिपस्टिक, तो इस तरीके से मैं लाइनर लगा रही हूँ, मेरा शेड है 2, तो इसी से मैं लाइनर कुछ इस टाइप का लगा रही हूँ, फिर अच्छे से अप्लाई कर लूँगी। तो आप इस लुक को क्रिएट करके पार्टी वगैरह में जा सकते हो और काफ़ी प्यारे लगोगे। तो ये रहा मेरा पूरा फाइनल लुक, तो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे मैंने लॉन्ग पतली एयरिंग पहन रखी है जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। अगर आपको हल्का मेकअप करना है तो मेकअप बिल्कुल हल्का है आपका, ज़्यादा डार्क नहीं है। हाँ, अगर आप लिप शेड चेंज करना चाहते हैं तो कोई न्यूड शेड लगा सकते हैं और एयरिंग की जगह छोटे छोटे टॉप्स पहन सकते हैं, तो इस तरीके का भी लुक क्रिएट करके जा सकते हैं, उसमें आपका लुक काफ़ी ज़्यादा सिंपल वाला हो जाएगा। और ये है पार्टी मेकअप, तो इसलिए मैंने यहाँ पर डार्क लिपस्टिक लगाई है और एयरिंग भी मैंने डाल रखी है पतली वाली। तो मैंने यहाँ पे पूरा फाइनल गेटअप आपको दिखा दिया, यानी कि पूरी ड्रेस आपको दिखाई है। तो मैंने यहाँ पे जींस नहीं पहनी है, जींस के अंदर मैंने गरम लेगी पहनी हुई है, उसके ऊपर जो फॉर्मल पैंट टाइप का चला है तो वो मैंने डाल रखा, और यहाँ पे मैंने बूट पहन रखा है जो प्लाजो टाइप का पतले कपड़े में आता है वो वाला है, और ब्लेज़र और अंदर से गर्म स्वेटर पहन रखा। तो वीडियो कैसी लगी कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ अच्छे से वीडियो के साथ, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। बाय बाय।